पागल हो गई है। आपने कुछ किया क्यों नहीं? किया क्या? आपने कुछ कहा भी नहीं। ती ऐसा भी कैसा अंधा प्यार जो सही और गलत के बीच में नहीं देख पा रहा। ती उसने आपको थप्पड़ मारा है। किसने हक दिया उसे आपको थप्पड़ मारने का? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आज उसने आपको तकलीफ दी है, आगे भी ऐसे तकलीफ देता रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है और हम हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। अगर हमारे पीछे उसने नहीं दी, अब हम भी कह रहे प्लीज प्लीज यहां से चली जाइए। कीर्तन आपसे प्यार नहीं करता है। क्या कर दिया कीर्तन तुमने? हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। रिमझिम बेटा देखो ना, देखो कीर्तन ने क्या कर दिया। अपने हाथ को ना वॉल में मार मार के इसने ऐसी हालत कर दी। इतना दर्द क्यों दे रहे हो अपने आप को? मोहन, जिस हाथ से मैंने रिमझिम को मारा है उसके लिए दर्द कुछ भी नहीं। मुझे तो इस हाथ को काट कर फेंक देना चाहिए। अगर इतना दर्द हो रहा है रिमझिम के लिए तो फिर मेरी फूल जैसी बच्ची पर हाथ क्यों उठाया तुमने? हाँ, कभी पता नहीं चलती। हमें डॉक्टर शिव के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry. ती ये क्या कह रही है? गलती तो इस कीर्तन की है। किसने हक दिया इसे आपको मारने का? किसने? हमने हक दिया इन्हें। ये हमें मारे पीटे या जान से मार दे, हम उफ तक नहीं करेंगे। ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते। ये कैसी बातें कर रही हैं? हम आज की लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी है, दुनिया देखी है हमने, अपने अधिकार को जानने वाली। और आप कह रही है कि आपके पति को आपको मारने का अधिकार है? हक है? ती किसी को प्यार करना एक बात होती है, किसी की बीवी होना एक बात होती है, लेकिन ये आपको बीवी की तरह क्या? ये आपको एक डोरमैट की तरह बस यूज कर रहा है। ती प्लीज अपनी आंखें खोल के रियलिटी देखिए, इसके टॉक्सिक नेचर को देखिए। पहले तो खुद गलती करता है और फिर खुद को चोट पहुंचाता है ताकि आपको बुरा फील हो, ताकि आप इसके झांसे में आ जाए कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है और कुछ नहीं। तो होने दो हमें मैनिपुलेट। हमें मैनिपुलेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी नारी शक्ति के भाषण के चक्कर में ना हम अपना घर नहीं उजाड़ सकते। समझ में आई बात? तुम निकल जाओ यहां से। नहीं, निकल जाओ यहां से।
लो जी, आ गए अपने घर। हे सोमनाथ जी, हमने जो मन्नत मानी थी कि दोनों बेटियों की शादी अच्छे से हो जाएगी, तो ठेठ सोमनाथ जी आके आपका दर्शन करेंगे। तो दर्शन भी अच्छे से हो गए और यात्रा भी अच्छे से हो गई, इससे आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बस इसी तरह आपकी कृपा दृष्टि बना के रखना मेरे घर पर और मेरी बेटियों के संसार पर। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सच कहो पंडित जी, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, बस अपने घर में आके जितना सुकून मिलता है ना, वैसा कहीं पर नहीं मिलता हो। बस अपना घर आज ना बहुत सुना सुना लगता है मेरी बेटियों के बिना। ठीक कह रही हो गुजरात, जब हम कभी भी बाहर से आते थे तो रिक्शे की तरफ दौड़ती थी हमारी बेटियां और पूछती थी, बाबू जी क्या लेके आए। हाँ। लेकिन आज तो ज्यादा ही भावी हो नहीं, और आप दोनों का लगता है आप दोनों बस फूट फूट कर रोने वाले हैं। आप कहे तो हम अभी दौड़ कर वापस ले आते हैं। कितनी बार समझाए हैं, एक की एक बात बोलते रहते तोते की तरह, लेकर आए लेकर आए लेकर आए। पता है ना तुझे, अब वो उनका घर है, समझा ना। डफोड़ अब खड़ा क्या है, जा जाके माचिस दे उधर से। पंडित जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि हम ना प्रसाद देने के बहाने उधर बेटियों के ससुराल चले जाते हैं। ओ, उनके ससुराल वालों को प्रसाद भी दे देंगे और साथ साथ अपनी बेटियों को भी मिल लेंगे, उनका हालचाल पूछ लेंगे। वैसे खबर न हो तो कह दूं, हालचाल पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी दोनों बेटियां ना रानी की तरह राज कर रही होंगी। और फिर क्यों ना करें, दोनों को इतने अच्छे पति मिले हैं और दोनों बेटियां एक साथ हैं। मेरी शक्तुड़ी है ना शानी, उसने वो बांद्रे रिमझिम को संभाल लिया होगा अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो। शिव बेटा, वो हमें तुमसे कुछ कहना था, अगर तुम बुरा ना मानो तो। अरे माँ, मैं बुरा क्यों मानूंगा, कहिए ना। हम जानते हैं कि तुम शक्ति से बहुत नाराज हो। तुम ही क्यों, शक्ति से तो पूरा घर नाराज है। लेकिन बेटा, शक्ति हमेशा तो गलत नहीं हो सकती ना, उसे एक बार हमारी नजर से देखकर देखो, भरोसे की नजर से। माँ, भरोसे की नजर से तब देखूंगा ना जब उसकी किसी बात पर भरोसा आए। रोज उसके कारण घर में कोई ना कोई लड़ाई होती है या बहस होती है, कभी इस कारण तो कभी उस कारण, क्या ये सही है? पहले जब वो घर में नहीं तब तो ऐसा नहीं होता था ना। शिव बेटा, जब वो पहले नहीं थी तो तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कान भी तो नहीं थी ना, तुम्हारी आंखों में ये उम्मीद भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ इस घर में कार्तिक भी नहीं था। बेटा, जब भी परिवर्तन होता है तो परेशानी तो होती ही है ना, बिना तकलीफ के कोई बदलाव नहीं आता, बदलाव के साथ तकलीफ जरूरी है। और इस घर में इतने सालों से जो कुछ भी होता आ रहा है, परिवार के लोगों ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर अपना लिया है। और आज जब शक्ति उस पर सवाल उठा रही है तो जवाब देने वालों को तो तकलीफ होगी ना बेटा। वो सवाल जो आज तक कभी किसी ने नहीं उठाए ना पूछे, अगर सवाल उठ रहे तो ना सवाल गलत है ना सवाल पूछने वाला। बेटा, दुनिया में हर गलत को सही करने की शुरुआत सवाल से ही होती है।
शक्ति इस घर के लिए बिल्कुल सही है। बाकी तुम समझदार हो। पंडित जी, कितना टाइम लगा रहे आप? आ रहे हैं कि मैं अकेली चली जाऊं? इतना टाइम लगाते तैयार होने में, और तो से ज्यादा टाइम लगाते। अरे धमका क्यों नहीं हो गुजराता? अरे हम तो कब से तैयार होके खड़े हैं, जल्दी आओ। अरे अरे महादेव पंडित जी, याद है कि भूल गए? आइए पंडित जी, हम आपको याद दिलाते हैं। आइए आइए। क्या है ना पंडित जी, जरा मेरे हाथों को देखो, इसमें ये लकीरें हैं, क्या कहती हैं मेरी किस्मत के बारे में? बताइए। एक दूसरे पंडित ने कल ही कहा था कि इनके हाथों से आज किसी का खून लिखा है। क्यों पंडित जी, सही कह रहा है ये? फिर से नहीं बताओगे? चलिए पंडित जी, ले ये। पंडित जी कहाँ चले गए? पंडित जी, उनके तो चप्पल भी नहीं है, कहीं ये सचमुच तो नहीं चले गए? ये सोमनाथ जी, मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो सच में ही चले गए जबरे। याद आया पंडित, अपनी एक लड़की की शादी के लिए मुझसे पैसे लिए थे। हा? उसकी शादी भी नहीं हुई और मेरे पैसे भी नहीं लौटाए। सुना है दोनों लड़कियों की किसी अमीर घर में शादी किया है। हा? अब तो लौटा दे पैसे हमारे। पैसा थोड़ा वक्त हमको और दे दे। आप भरोसा रखिए, जल्दी उठा दूंगा। ए पंडित, झूठ बोलकर तुम्हारी पंडिताई चलती होगी, हमारा धंधा नहीं चलता। हमें हमारा पैसा चाहिए और आज हम लेके जाएंगे। पंडित जी, अब ये कहाँ चले गए? कहाँ गए ये? पैसा, पैसा, पैसा। पंडित जी, क्या आवाज है ये तो? पंडित जी, पैसा। आपको तो पता है ना कि बाप के ऊपर बेटी के शादी का कितना बड़ा बोझ होता है। पाई पाई का हिसाब लगाने के बाद भी जब पैसे घट गए तो मैंने आपसे मदद लिया, आपसे उधार लिया। बस थोड़ा और समय दीजिए, आप भरोसा कि मैं पाई पाई आपको लौटा दूंगा। अरे पंडित, भरोसा गया भाड़ में। या तो दाम पूरे दियो, नहीं तो तुम्हारा काम हम तमाम कर देंगे। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन है तुम्हारे पास। 10 दिन में हमारा पैसा वापस कर दियो, नहीं तो जानते हो हम क्या करेंगे। वो तुम्हारी बेटी के ससुराल में जाके तांडव करेंगे। डॉक्टर शिव, प्लीज हमारी बात सुनिए। देखिए, हमारा कोई इरादा नहीं था आपको अपसेट करने का। शक्ति, तुम इस घर में इतने सालों से जो कुछ भी होता आ रहा है, परिवार के लोगों ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर अपना लिया है। आज जब शक्ति उस पे सवाल उठा रही है तो जवाब देने वालों को तो तकलीफ होगी ना बेटा। शक्ति, तुम गलत नहीं हो सकती, पर तुम्हारा गलत को सही करने का तरीका सही नहीं है। कीर्तन ने तुम्हारी बहन पर हाथ उठाया, तुम्हें पूरा हक है कि तुम उसके लिए आवाज उठाओ, उसे गलत करने से रोको। पर सही बात अगर सही तरीके से नहीं की जाए तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं बचता। शोर मचाकर अगर सही करने जाओ
तो लोगों को सिर्फ शोर सुनाई देता है, अच्छाई की नीयत नहीं देखते लोग। इसीलिए तुम्हें अपने तरीके बदलने होंगे शक्ति। मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई एतराज नहीं है, और ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देती और ना ही किसी दूसरे के साथ। तुम्हें अब वो तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे लोगों को तुम्हारी अच्छाई में अच्छाई दिखे, तमाशा नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी ताकत बनकर खड़ा रहना चाहता हूं, कमजोरी नहीं। जब भी तुम सही करोगी ना शक्ति, मुझे अपने साथ पाओगे, और अगर तुम कुछ गलत भी करोगी तो भी मुझे अपने साथ पाओगे। क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ गलत भी सही करने के लिए ही करती हो। हम यही तो चाहते हैं डॉक्टर शिव, आपके साथ से ना हमें हिम्मत मिलती है। और मैं तुम्हारी हिम्मत कभी टूटने नहीं दूंगा शक्ति। पता है डॉक्टर शिव, ऐसे मोमेंट पे हमारा क्या करने का मन करता है? क्या? अरे सुधरोगी नहीं तुम। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, कोई हमारा साथ देना दे, हमें सिर्फ आपके साथ की जरूरत है, बाकी सब हम देख लेंगे। हे भोलेनाथ, बस ऐसे ही शिव शक्ति को समझदारी देना, दोनों को साथी बनाए रखना, ताकि मुश्किल से मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ न छोड़े। जय भोलेनाथ। बहुत दिनों से इंतजार था मुझे इस दिन का, आज सिर्फ तू है, मैं हूं और ये है। निकल आए है ना तेरे उस शक्ति नाम की चिड़िया के साथ रह रहकर, तू अपने आप को चीज समझने लगी है। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूं। चील किया, तू चींटी के बराबर भी नहीं है। आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज तो यहां कोई नहीं है, ना तेरा परिवार, न तेरी वो शक्ति। आज सिर्फ तू है और मैं हूं। क्या हुआ भैया? आज तेरी जान और तेरी किस्मत दोनों की मालकिन मैं हूं, सिर्फ मैं। दो चार बार उस शक्ति ने तुझे बचा क्या लिया, तुझे लगता है कि वो तेरी बॉडीगार्ड है? आज तेरी बॉडी को मुझसे गार्ड करने के लिए घर पे कोई नहीं है। आज तुझे बताती हूँ कि ये मंदिरा कश्यप क्या कर सकती है। कुछ नहीं, तुमने कार्तिक को टिफिन दे दिया था? जी भैया। चलो। आज तेरा वो हाल करूंगी कि मेरे खिलाफ जाने से पहले तेरी रूह कांपेगी।
पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे ऐसा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, घर पर ही रुकना चाहिए था। अब डमरू गाड़ी घर वापस ले ले, आज हॉस्पिटल जाने का मन नहीं कर रहा। जी भैया। कौन है?